हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इन द मंथ ऑफ जून के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि जून की जो एक तारीख थी, जहां पर महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला था, वहां पर इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, वो यहाँ पर फिल्म्स की जो शूटिंग है उनको परमिशन दे देंगे एंड द शूटिंग विल बिगिन फ्रॉम द 2nd और 3rd of June। गौरतलब है कि आदित्य चोपड़ा ने वैक्सीनेशन दे दी अपने वर्कर्स को। धर्मा ने कल लीलावती अस्पताल जो है वहां पर अपने जितने भी वर्कर्स है, एसोसिएट्स है, उनकी वैक्सीनेशन करवाई है। मैक्स नानावती अस्पताल जो है मुंबई का, वहां पर नडियाड वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट ने अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन करा दी। यानी कि बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी वैक्सीनेशन होना शुरू हो चुकी है। महबूब स्टूडियो जो मुंबई का स्टूडियो है, वहां पर जो इंडस्ट्री के वर्कर्स है जिनके पास आईडी कार्ड्स है उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। कल फिल्म एक्ट्रेस मालविका मोहनन भी वहां जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन लिया। तो गाइस, इंडस्ट्री इज गेटिंग वैक्सीनेटेड इस उम्मीद में कि महाराष्ट्र सरकार प्रशासन उनको परमिशन देंगे शूटिंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर इज नो रिप्लाई फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। यस फ्रेंड्स, इसी का कारण है वापस से मंडे को शाम को जो फेडरेशन है यानी कि FWICE, उन्होंने वापस से उद्धव ठाकरे जी को एक पत्र लिखा है एंड उन्होंने कहा है कि FWICE और सामान्य समिति आपको आश्वस्त करती है कि सरकार के सभी नियमों और विनियमों को पालन सभी क्रू मेंबर्स के एक एक सदस्य द्वारा किए जाएंगे और हर एक वर्क लोकेशन पर सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। यहाँ पर वापस आश्वासन दिया है कि प्लीज जो शूटिंग यानी कि M&E इंडस्ट्री है, मैं काम फिर से शुरू करने के लिए आपकी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी हैज रिफ्यूज्ड, ही हैज नॉट गिवन एनी परमिशन फॉर फिल्म शूटिंग। इसलिए मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि 15 के बाद ही शूटिंग शुरू होगी। बहुत लोग कह रहा था कि नहीं, जून पहले वीक में बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी। नॉट हैपनिंग मेरा भाई। मैंने पहले कहा था कि 20 जून वो डेट है जहां पहली बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग यानी कि राम सेतु की शुरू होगी। एंड कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं किस तरह से जो लेटर था FWICE ने जो दिया था, उसके मुख्य सलाहकार अशोक पंडित जी, अध्यक्ष BN तिवारी जी, मुख्य सलाहकार शरद शेलार, महासचिव अशोक दुबे और कोषाध्यक्ष गंगेश्वर श्रीवास्तव, इन सारे लोगों ने साइन किया था। तो ऑफिशियल लेटर है, ओके। ये अब बात करते हैं वो फिल्म जो बॉलीवुड से पहली फिल्म होगी आफ्टर 2nd wave टू बिगिन इट्स शूटिंग। हमेशा अक्षय कुमार जी जो रहते हैं वो हमारे इंडस्ट्री के फ्लैग बेरर रहते हैं। लास्ट टाइम आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन जब थोड़ा बहुत खत्म हुआ था, सारी चीजें थोड़ी बहुत समानता पे आई थी, तब गाइज अक्षय कुमार ने जाकर जो शूटिंग का सिलसिला है वो बेल बॉटम से शुरू किया था। लेकिन गाइज वो ग्लासगो गए थे, लेकिन इस बार वो 20 तारीख से राम सेतु की शूटिंग फिल्म सिटी में कर रहे हैं। लेकिन गाइज 12 जून, होल्ड योर ब्रेथ, नन अदर देन पद्मश्री कंगना रनौत। यस फ्रेंड्स, कंगना रनौत इज गोना बी द फर्स्ट एक्टर इन बॉलीवुड हु इज गोइंग टू बिगिन शूटिंग आफ्टर द 2nd wave। एंड गाइज ये छोटी मोटी शूट नहीं होने वाली है, कोई मामूली शूट नहीं होने वाली है। मुझे बोलने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन अब जब ये बात मीडिया में आ चुकी है तब आई एम गोना स्पीक आउट ऑन दिस वन। टाइगर 3 का जो पूरा का पूरा एक्शन क्रू था यानी कि जो कोरियन स्टंट आर्टिस्ट से, उन लोग मुंबई में स्थित JW मैरियट जो है कोर्टयार्ड वहां पर रुके हुए थे। अनफॉर्चुनेटली टाइगर 3 की शूटिंग नहीं हो रही थी। परवेश शेख, हु इज डूइंग द एक्शन फॉर टाइगर 3 ऑल्सो, वॉज डूइंग द एक्शन ऑफ धाकड़। तो उन्होंने इन कोरियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया एंड एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस जो बुदापेस्ट, पहले थाईलैंड में शूटिंग होने वाली थी लेकिन अब थाईलैंड में शूटिंग करना खतरे से खाली नहीं, तो थाईलैंड में होने वाली थी। उन्होंने उन कोरियन आर्टिस्ट को बोला कि क्यों ना आप हमारी मदद करें हमारी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए। तो टाइगर 3 का जो एक्शन क्रू है स्पेसिफिकली YRF के लाया था, वो अब कंगना रनौत की जो फिल्म धाकड़ उनके एक्शन टीम को पिछले 15 दिनों से JW मैरियट कोर्टयार्ड का जो बॉलरूम है, नीचे जितने भी रूम स्थित है वहां पर उन्होंने उनकी एक्शन कोरियोग्राफी को डिजाइन किया एंड उनकी मदद की है। एंड गाइस 12 जून को पूरी की पूरी कंगना रनौत की जो धाकड़ की टीम है वो जाने वाली है शूट करने के लिए बुदापेस्ट।
फिल्म के जो प्रोड्यूसर है यस फ्रेंड्स दीपक मुकुट जी, उन्होंने ये कहा है कि ये अगले शूटिंग की प्लानिंग जो है ये पूरी तरीके से हम लोगों ने कर दी है। वहाँ 30-35 डेज का स्केड्यूल होगा, थाईलैंड में शूट नहीं कर सकते इसलिए वहाँ शूट नहीं किया है। यहाँ पर बुडापेस्ट में दे आर गोना शूट 3 बिग एक्शन सीक्वेंसेस एंड कुछ ग्लैमर सीक्वेंसेस शूट करने वाले हैं वहाँ पर, एंड वहाँ फिल्म का क्लाइमैक्स भी शूट होगा। उन्होंने कहा है हम हमारे किरदार के बिगनिंग का शूट भी वहीं करेंगे, 3 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस, कुछ गाने भी वहां फिल्माए जाएंगे। कंगना रनौत 12th ऑफ जून को वहां पे शूट करेगी और पहले एक्टर बन जाएगी बॉलीवुड की। वो बिगिन शूटिंग आफ्टर द लॉकडाउन एंड टाइगर 3 एक्शन क्रू फ्रॉम साउथ कोरिया इज हेल्पिंग अस इन डूइंग द एक्शन। तो बहुत जबरदस्त एक्शन होने वाला है। एंड एक्शन टीम क्रू मेंबर्स ने भी कंगना के किरदार बारे बताया है। उन्होंने कहा है कि कंगना इसमें इंडियन स्पाई के रोल में है। इन दिस फिल्म कंगना रनौत इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एन इंडियन स्पाई। अर्जुन रामपाल यहां पर फिल्म में पाकिस्तानी ISI एजेंट बने हैं एंड इसमें टेररिस्ट वाला एंगल नहीं है, बल्कि यहां पर इंडिया में जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वहां पर जो सिंडिकेट है उसका जो पूरा भंडाफोड़ है वो यहां पर कंगना रनौत इस फिल्म में करते हुए दिखाई देगी। एंड गाइस यहां पर पूरा के पूरे एक्शन सीक्वेंस की ट्रेनिंग भी कंगना रनौत ने ले ली है। दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्शन फिल्म, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। जितना भी आप वो कर लो कंगना की फिल्मों को लेकर, लेकिन ये फिल्म विल सरप्राइज एवरीवन, क्योंकि मैंने धाकड़ के जो एक्शन सीक्वेंसेस थे जो लॉकडाउन से पहले शूट हुए हैं उनकी कुछ झलकियां देखी है एंड इट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऑन सेट्स दे हैव शॉट समथिंग इमॉर्टल, द गन्स द एक्शन सीक्वेंसेस ऑफ दिस फिल्म इज आउट क्लास्ड, सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके गाइस, द फर्स्ट फिल्म टू बिगिन ऑफिशियली शूटिंग फ्रॉम बॉलीवुड ऑन द 12th ऑफ जून इन बुडापेस्ट विल बी कंगना रनौत्स फिल्म धाकड़। मैंने पहले ही कहा था कि ये फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी में शुरू होने वाली है, लेकिन उन लोगों ने फिल्म सिटी में न शूट करते हुए पूरा का पूरा क्रू बुडापेस्ट ले जाने की ठान ली है एंड 20 जून को राम सेतु की शूटिंग होने वाली है। और बहुत सारी फिल्में हैं जो हाथ पैर मार रही है 15 के बाद शूटिंग करने के, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अब तक कोई परमिशन नहीं दी है कि शूटिंग कर सकते हो तुम लोग। उस पर और इन्फो एंड मैं और इन्फो लाने की कोशिश करूंगा किस तरह से 7-8 फिल्में हैं जो लाइंड अप है शूटिंग करने के लिए 15 तारीख को, तो वो आई थिंक इसके बाद वाला एपिसोड होगा। आई हैव नॉट गॉट द फुल इन्फो, उसका इंतजार कीजिए। ओके, साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।